हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास. सो दिस इज 10.1 एक्सरसाइज एंड ऑलरेडी आई हैव कंप्लीटेड फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन. ऑल्सो आई स्टार्टेड द फोर्थ वन एंड टू सम्स आई हैव ऑलरेडी सॉल्व. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम सी. ओके, सो दिस टू सम्स यू कैन सी इन द प्रीवियस वीडियो एंड टू सी द नेक्स्ट वीडियोज यू हैव टू जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द अदर अपकमिंग वीडियोज. ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ दिस वन. So what is here we have? Add the following. The C is 8x square plus 7x plus 12. So this is one expression. The second is 17x square minus 15x minus 21. Then third we have 4 minus 9x square plus 11x. Fourth we have 4x squares minus 18x plus 19. Okay, so here also we have four expressions as we did in the second sum. So dono sum solve kiye hue hai detail mein, aap log please check out kar lo. So chalo, now I am going to start the third. So pehle main question ko likh leti hu. Okay, question is, okay, yahan pe aap logon ko question dikhega, nahi to main directly notebook mein arrange karke likh rahi hu. आप इसे ही देखो. दिस इज द सी. 8x प्लस 8x स्क्वायर है, 8x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12. ओके, देन आफ्टर सेकेंड टर्म स्टार्ट हो रहा है यहाँ से. ओके, तो अभी x स्क्वायर जो दिया है ना, तो उसके नीचे वही लिखेंगे हम एज इट इज. देन माइनस x, तो माइनस x x में आएगा, माइनस 15x देन नेगेटिव 21. ओके, देन यहाँ पे फर्स्ट डायरेक्टली दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है, तो हम इसे डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे. देखो जो नंबर दिया है ना, उसके नीचे उसे लेना है, और वो पॉजिटिव है, इसके लिए पॉजिटिव आ गया. बिकॉज हियर वी डोंट हैव एनी साइन, सो दैट मीन्स दिस इज़ अ पॉजिटिव. देन वी हैव नेगेटिव 9x स्क्वायर, सो नेगेटिव 9x स्क्वायर x स्क्वायर के नीचे आ गया. देन उसके बाद देखिए थर्ड दिया हुआ है प्लस 11x, सो प्लस 11x. आई होप तुम आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप उसमें देख सकते हो. देन फोर्थ टर्म दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 18x एंड देन प्लस 19. तो जैसे यहाँ पर दिया था एज इट इज़ मैंने पूरा लिख लिया है. देखो पूरा क्वेश्चन जैसे दिया था एज इट इज़ मैंने लिख लिया है, और जो जो टर्म्स थे उसके नीचे प्रॉपरली लिख लिया है. ओके, सो नाउ हियर वी कैन सी दिस इज़ प्लस माइनस. तो प्रीवियस सम में मैंने देखो यहाँ पे रफ करके दिखाया था, तो ज़रूरत पड़ेगी तो हम करेंगे, इधर हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पर देख लीजिए प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसीलिए 21 माइनस 12 करना है. तो 21 माइनस 12 इज इक्वल टू, क्यों माइनस किया, बिकॉज प्लस माइनस माइनस तो माइनस करना है. ओके, सो 11 माइनस 2 अभी कैरी कर दिया, 11 हो गया, 1 लेफ्ट हुआ, 11 माइनस 2 इज 9, 1 माइनस 1 इज 0, तो यहाँ पर आ गया 9. बिगर नंबर कौन सा है, 21, दैट इज़ पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव है. ओके, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, ये मैंने माइनस साइन दिया था, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव था, इसीलिए हम देखेंगे यहाँ पर बिगर नंबर नेगेटिव है, पॉजिटिव है. बिगर नंबर कौन सा है, 21 है, तो दैट इज़ नेगेटिव, तो इसके लिए आंसर नेगेटिव बनेगा. तो ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है यहाँ पर, तो इसलिए ये हो गया 9, नेगेटिव 9. अभी नेक्स्ट देखो माइनस प्लस, ये माइनस है ना, इसीलिए माइनस प्लस माइनस, तो अभी यहाँ पर 9 माइनस 4 करना है, तो दैट इज़ 5. साइन कौन सा आएगा, तो नेगेटिव 9 बिगर है या प्लस 4 बिगर है, नेगेटिव 9 बिगर है, तो इसका नेगेटिव साइन यहाँ पर आ गया, तो अभी नेगेटिव 5 मिल गया. तो नेगेटिव 5 और यहाँ पे 19, दैट इज़ पॉजिटिव. तो माइनस प्लस क्या होता है, देखो ये माइनस है, अभी देखना है माइनस प्लस माइनस, तो दोनों का करना है सब्ट्रैक्शन, तो 19 माइनस 5 करना है, और जो आंसर आएगा उसे बिगर नंबर का साइन, मतलब बिगर नंबर 19 है दैट इज़ पॉजिटिव, तो बिगर नंबर का साइन आ जाएगा पॉजिटिव. तो यहाँ पे माइनस करो, हियर लेफ्ट 4 1, तो ये हो गया 14, पॉजिटिव 14, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव 14. थोड़ा आप लोगों को स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट ज़रूर लगेगा, बिकॉज आपको देखना है प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करना है, और जो बिगर नंबर है उसका साइन देना है, फिर देखना है माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करना है, तो 9 माइनस 4 5 आ गया. फिर से देखना है बिगर नंबर दिस और दिस, तो दिस इज़ बिगर नंबर, साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव आ गया.
फिर उसके बाद देखना है नेगेटिव फाइव, और यहाँ पे 19 पॉजिटिव है तो प्लस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस करना है 14 आ गया। बट बिगर नंबर कौन सा है, 5 और 19 में बिगर नंबर 19 है तो वो पॉजिटिव है, इसके लिए पॉजिटिव आंसर। देखो जब फोर टर्म्स देते हैं, अभी इसके पहले हम लोगों ने सिर्फ टू टू टर्म्स सीखे थे, लेकिन अभी फोर टर्म्स आ गए हैं तो डिटेल में उसे वन बाय वन करना है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, सो 15 माइनस 7 करना है तो दैट इज़ वॉट वी हैव 8, तो 8 आ गया, बिगर नंबर साइन इज नेगेटिव तो बिगर नंबर हो गया नेगेटिव 8। ओके तो अकॉर्डिंग टू दैट अभी माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, सो 11 माइनस 8 करना है, सो 11 माइनस 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 3 आ गया। बिगर नंबर देखो 8 बिगर है या 11 बिगर है, 11 तो दैट इज़ पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव, पॉजिटिव 3। अभी देखो यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, सो दैट मीन्स 18 माइनस 3 करना है, कितना आ जाएगा 15। बिगर नंबर कौन सा है, 3 और 18 18, तो 18 क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव 15 आ गया, तो ये नेगेटिव 15 और x एज इट इज़ नीचे वेरिएबल ले लेना है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर नेक्स्ट, ये तो x स्क्वायर एज इट इज़ ही रहेगा, लिख दो पहले ही। अभी यहाँ पर क्या करना है, ये देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, और ये क्या होगा प्लस, यहाँ पे प्लस है ना, ये सम जो है एडिशन का है तो प्लस माइनस माइनस ही रहता है, तो ये साइन एज इट इज़ रहेगी, तो प्लस माइनस प्लस 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 करो पहले, तो इसके लिए 17 प्लस 8 कितना होता है, 25। देखो मैं काउंट करके दिखाती हूँ, 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो 25 हो गया, दैट इज़ पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव 25। ओके नाउ माइनस, सो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस करना है यहाँ पर, तो देखो अभी माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा, 25 माइनस 9 होता है, तो यहाँ पे 15 माइनस 9 क्या आएगा, 6 आएगा। ओके और यू आर लेफ्ट 1, मतलब 16 आ गया। बिगर नंबर क्या है, 25 और 9 25 है, वो क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव 16 हो गया। अभी उसके बाद देखो ये पॉजिटिव ही है तो प्लस 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 होता है, इसीलिए 16 प्लस 4 कितना हो गया, 20 हो गया। बिगर नंबर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव 20, तो पॉजिटिव फर्स्ट नंबर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम ओनली 20 लिखेंगे। तो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द थर्ड सम। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, अगर डाउट है फिर भी तो आप लोग कंटिन्यूसली ऐसे आप जब सॉल्व करोगे तो डिटेल में देखना है प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, एंड देन यू हैव टू फाइंड द आंसर। ओके अभी देखना है डी, 6ax माइनस 2by प्लस 3cz। अभी यहाँ पे ax के नीचे ax वाला लिखेंगे टर्म, by के नीचे by वाला टर्म लिखेंगे, और cz के नीचे cz वाला लिखते हैं, ठीक है। चलो मैं लिखना स्टार्ट कर देती हूँ। ओके सो हियर 6ax माइनस 2by प्लस 3cz। ओके नेक्स्ट टर्म दिया है, सॉरी नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन दिया है उसमें 16by पहले दिया हुआ है। देखो यहाँ पे कैसे कन्फ्यूजन का काम करते हैं ना, मतलब हमको कन्फ्यूज करते हैं। यहाँ पर दिया 16by दिया हुआ है, फिर दिया है नेगेटिव ax, तो ये ax के नीचे ax लेना है ना, इसके लिए हम पहले लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो पहला नंबर दिया है, दैट इज़ वॉट 16by, तो 16by लिख दिया। ओके पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है, देन नेगेटिव 11ax। ओके देन वी हैव द लास्ट वन, कितने दिए हैं इसमें टर्म्स, और उसके बाद है 15, नेगेटिव 15cz, डन, वो भी हो गया। उसके बाद थर्ड एक्सप्रेशन दिया है 10cz, तो पहले ही सबसे पहले दे दिया है 10cz, तो 10cz को cz के नीचे ही लिखेंगे, सो 10cz। अभी देखो इसके आगे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन ले लो। उसके बाद है नेगेटिव ax, सो नेगेटिव 9ax। ओके देन वी हैव नेगेटिव 3by। ओके ये थोड़ा आगे आ गया, एक्चुअली 16 के नीचे प्रॉपर चाहिए था। ओके नाउ cz को एज इट इज़ लिख दो यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस,
तो 15 माइनस 3 कितना होता है 12, बिगर नंबर क्या है नेगेटिव, तो आंसर आ गया 12, नेगेटिव 12। फिर देखो माइनस प्लस माइनस, सो यहाँ पर 12 माइनस 10 करना है वो हो जाएगा 2, बिगर नंबर कौन सा है 12 बिगर है या 10, 12 बिगर है, उसके साथ साइन क्या है नेगेटिव है, इसके लिए आंसर नेगेटिव 2, तो यहाँ पर नेगेटिव 2। उसके बाद नेक्स्ट देखो माइनस प्लस माइनस, सो 16 माइनस 2 इज़ 14, सो 14 क्या हो जाएगा पॉजिटिव आएगा बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव नंबर बिगर है, तो पॉजिटिव 14, तो प्लस माइनस माइनस होता है, सो 14 माइनस 3 कितना हो जाएगा 11, सो 11 क्या है यहाँ पर 14 ये क्या था पॉजिटिव नंबर था और वो बिगर नंबर है इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव 11 by। देखो ये मैंने वर्टिकली डायरेक्ट किया हुआ है, ओरली किया है, तो आप लोगों को भी ऐसे सीखना है। अभी देखो प्लस माइनस माइनस, सो माइनस होता है तो 11 माइनस 6 इज़ 5, सो 5 इज़ वॉट नेगेटिव 5 बिकॉज बिगर नंबर इज नेगेटिव, सो नेगेटिव 5, सो नेगेटिव है इसके लिए माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इसके लिए अभी देखो 5 प्लस 9 कितना हो गया दैट इज़ 5 प्लस 9 इज़ 14, ओके 14 लिख दिया, एक्स लिख दिया। अभी साइन क्या देना है, 5 बिगर होगा या 9 बिगर होगा, 9 बिगर है दैट इज़ नेगेटिव, इसके लिए नेगेटिव 14 ax + 11 by - 2 cz, दिस इज़ आवर आंसर। ये कौन सा सम था, दिस इज़ द डी, ठीक है डी वाला हो गया है। इसके बाद हम करेंगे कंटिन्यू ई, ई में भी देखो अभी यहाँ पर 15m² n, फिर m² n के नीचे m² n लिखेंगे, mn के नीचे mn लेंगे और यहाँ पे mn² दिया है, देखो ये m² है ये n² है, तो ये ध्यान देकर लिखना है, ओके सो विल स्टार्ट नाउ। कितने एक्सप्रेशन दिए हैं, 3 दिए हुए हैं, तो चलो मैं अरेंज कर देती हूँ अभी ये ई, 15m² n, थोड़ा स्पेस देके ही लिखो, 17mn, फर्स्ट टर्म तो हम डायरेक्ट ही लिखते हैं उसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, प्लस 8mn² हो गया ये। अभी सेकेंड लिखेंगे तो पहले चेकआउट करना है, 13m² n दिया हुआ है तो यहाँ पर ही आएगा दैट इज़ 13m² n। सेकेंड क्या दिया हुआ है उसमें ही फिंगर प्रॉपरली ऐसे रखना है और फिर नंबर्स लेते जाना है, तो यहाँ पर है नेगेटिव mn, नेगेटिव 15mn, उसके बाद है नेगेटिव 9mn², सो नेगेटिव 9mn², ओके। थर्ड है 12m² n प्लस 21mn माइनस 14mn², ओके दिस इज वी हैव कम्प्लीटेड। देखो क्वेश्चन लिख कर अभी हो गया है, अभी ऐड करना स्टार्ट करते हैं, तो ऐड करना है या हमें डायरेक्टली करेंगे ऐसे प्लस माइनस माइनस, सो 9 माइनस 8 इज़ 1, ओके बिगर नंबर क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव 1 आ जाएगा। अभी देखो माइनस माइनस ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करना है तो 14 प्लस 1 इज़ 15, ये एम एन स्क्वायर तो आ गया है। अभी साइन को देखना है, बिगर नंबर क्या है 14 और 1 1, दोनों माइनस माइनस ही है तो आप डायरेक्ट ले सकते हो माइनस, ओके अभी एम एन नीचे आ गया है यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 32, ओके 32 नेगेटिव, बिगर नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव 32 आ गया, ओके अभी देखो माइनस प्लस माइनस, तो इसके लिए इसमें से 21 को माइनस करो, 1 लेफ्ट 2 1 11, सो 11 को साइन क्या आएगा बताओ मुझे, नेगेटिव बिगर कौन सा है 32 इज़ बिगर दैट इज़ नेगेटिव, इसके लिए नेगेटिव 11mn। अभी m स्क्वायर n को लिख दिया, अब ये तीनों नंबर पॉजिटिव दिख रहे हैं तो प्लस 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 ही होने वाला है, तो तीनों का हम प्लस करेंगे, 5 6 7 8 9 10, 1 carry 1 2 3 and 1 4, तो 40m² n। जब प्लस वाला आता है ना तो डायरेक्ट कर सकते हैं, माइनस आता है तब थोड़ा फिर से ऐसे ही करना है, ओके नेक्स्ट हम करेंगे अभी ई हो गया है, एफ करते हैं, दिस इज़ द लास्ट वन, ये सब लास्ट है। देखो अभी यहाँ पे एक्स है वाई है जेड है और एक क्या दिया है कांस्टेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी एक्स वाई जेड, जेड नहीं है डायरेक्टली देखो कांस्टेंट दिया, तो चलो इसको कैसे अरेंज करना है ये भी देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिखते हैं, 13x दिखाई दे रहा है आप लोगों को पूरा,
13x प्लस 17y माइनस 19 है, सॉरी 19z प्लस 2। ओके नेक्स्ट देखो, यहाँ पर नेक्स्ट दिया है 14x, फिंगर अच्छे से रखना है और करना है 14x प्लस 12y माइनस 13। तो माइनस 13 डायरेक्टली यहाँ पर ले लेना है, दिस प्लेस इज ब्लैंक। ओके उसके बाद थर्ड दिया हुआ है 12, अभी 12 दिया है तो डायरेक्टली 12 यहाँ पर आ गया और वो प्लस है, पॉजिटिव है तो प्लस यहाँ पर आ गया। ओके आफ्टर दैट नेगेटिव 15x, सो नेगेटिव 15x, आई थिंक मेरा इंक खत्म हो गया है पेन का। ओके मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ। 15x देन वी हैव नेक्स्ट प्लस 6z, प्लस 6z, देखो z दे दिया है डायरेक्टली, तो यहाँ पर y वाला कोई सेक्शन है ही नहीं, टर्म ही नहीं है वो। फिर फोर्थ दिया हुआ है एक्सप्रेशन, उसमें 2x दिया हुआ है, सो 2x देन प्लस y, ओनली y नंबर नहीं है, कोएफिशिएंट जिसे हम बोलते हैं। फिर उसके बाद प्लस 11z है और प्लस 9 है, देखो इस तरह से दिया हुआ है। ओके तो ये ब्लैंक प्लेसेस है ना, उसे ऐसे ही एज इट इज छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है वहाँ पे। अभी हमें करना है प्लस माइनस माइनस, तो 13 माइनस 2 इज 11, आ गया 11, बिगर नंबर नेगेटिव तो नेगेटिव 11 हो गया। अभी देखो माइनस प्लस माइनस, तो 12 माइनस 11 करो 1 आ जाएगा, बिगर नंबर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव 1 आ गया। ओके प्लस 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 हो गया है, तो यहाँ पे 9 प्लस करते हैं तो हम 10 हो जाएगा, बिगर नंबर पॉजिटिव तो ये हो गया है प्लस 10। अभी इसको डायरेक्ट करेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस, सो यहाँ पे 19 माइनस 6 आ जाएगा 13, और बिगर नंबर 19 है ना, दैट इज़ नेगेटिव, तो इसके लिए नेगेटिव 13 आ गया। ओके अभी इसके बाद देखना है माइनस प्लस, इसको सब छोड़ देना है, फिर ये साइन ही देखना है, माइनस प्लस माइनस, सो 13 में से 11 को माइनस करो 2 लेफ्ट हुआ, तो यहाँ पर आ जाएगा 2z, बट साइन कौन सा आएगा, 13 बिगर है ना, 13 बिगर है तो उसके साथ साइन नेगेटिव है, तो नेगेटिव ले लिया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे प्लस प्लस है, ये भी प्लस है, तो जब प्लस आते हैं तो हमें डायरेक्ट लिखना होता है, तो y लिख दो एज इट इज़ 7 प्लस, अभी y के आगे ना कुछ नंबर नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर ना इमेजिनरी 1 होता है, उसे भी हमें ऐड करना पड़ता है, तो 7 प्लस 2 इज 7, 8, 9 एंड 1 10, 1 कैरी करो, 1 कैरी वाला 1 2 3, तो ये आ गया 30, अब प्लस है तो प्लस ही डायरेक्ट नीचे आएगा, तीनों प्लस है ना तो डायरेक्ट प्लस ले लेना है, या बिगर नंबर का साइन प्लस है। अब यहाँ पर देखो प्लस 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 हो गया, 27 हुआ ये, 27 पॉजिटिव आएगा, तो उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 27 यहाँ पर साइड में कर दो। ओके यहाँ कर देती हूँ, 27 माइनस 15 करो, क्या आएगा आंसर, ये प्लस है हा? प्लस माइनस माइनस होता है, इसके लिए माइनस करना है, तो 2 एंड 1 12 आ गया, बिगर नंबर क्या है 27, दैट इज़ पॉजिटिव, इसके लिए 12 पॉजिटिव है। ओके अभी ये भी प्लस है, तो इसके लिए 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 24x, बिगर नंबर पॉजिटिव था 12, इसके लिए ये पॉजिटिव है, तो दिस इज़ व्हाट द आंसर इज। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ना हमने यहाँ पर ये सम्स कर दिए, सिर्फ आप लोगों को जो भी सम है, जैसे मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा यहाँ पे डाउट हो रहा था बार बार प्लस माइनस के साइन में, मतलब प्लस माइनस माइनस होता है, उसके बाद माइनस करने के बाद बिगर नंबर का साइन लेना पड़ता है, जैसे यहाँ पर हमने लिया है, तो फिर हमें इसके साथ में इसे कैलकुलेट करना होता है, तो इसमें ना बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा था, बट नाउ प्रैक्टिस के बाद उनको ये सम्स इतने सिंपल हो गए हैं कि ईजिली मैं कोई भी नंबर देती हूँ तो वो सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो देखने के बाद स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन लगेगा, प्रीवियस सम्स भी देख लो, उसके वीडियोज़ भी अपलोड किए हुए हैं, और ये सम्स भी आप लोगों को ज़रूर हेल्पफुल होंगे। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, ताकि जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी ना आप लोगों को डायरेक्टली उसके आंसर्स मिल जाएंगे। और आप लोगों को कुछ डाउट होता है तो आपको पता है कि पीछे आंसर्स दिए जाते हैं, तो यू कैन जस्ट चेक आउट द आंसर। ओके सो आई हैव सो चेक्ड नाउ, दिस इज़ द फोर्थ वन। ओके सो आवर ऑल आंसर्स आर करेक्ट, यहाँ पर जो भी आंसर्स दिए हुए हैं हमारे सारे आंसर्स राइट आ गए हैं। ओके गुड, सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पर मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, मैं देख लेती हूँ एक बार।
प्लस माइनस माइनस होता है, तो 13 माइनस 2 आ गया है 11, दैट इज़ नेगेटिव 11. ओके, देन माइनस प्लस माइनस, सो 12 माइनस 11 इज 1 लेफ्ट, पॉजिटिव 1. सो प्लस 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 होता है, तो दिस इज़ राइट, माई आंसर इज़ करेक्ट. बट यहाँ पर नेगेटिव 8 दिया हुआ है, तो मुझे क्वेश्चन में देखना होगा क्या नंबर्स है. तो मैं क्वेश्चन में भी एक बार नंबर्स देख लेती हूँ, बिकॉज कभी कभी लिखने में कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. तो यहाँ पर है लास्ट में प्लस 2, देन नेगेटिव. ओके, सो हियर वी हैव नेगेटिव 31, और मैंने 13 ले लिया है, दैट वॉज द मिस्टेक. 13 लेते हैं तो डायरेक्टली यही आंसर आएगा. देन उसके बाद 12 है, पॉजिटिव 12 और पॉजिटिव 9. ओके, प्लस 10, नेगेटिव 31. सो यहाँ पर नेगेटिव 31 है. तो चलो इसके अकॉर्डिंग हम फिर से करते हैं इसे. तो प्लस 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 माइनस माइनस, 31 माइनस 2 अगर हम करते हैं तो आ जाएगा 29. 29 वो है नेगेटिव. ओके, तो 29 प्लस माइनस माइनस, तो 29 में से 12 माइनस करो, हियर यू विल गेट 9 माइनस 7 1 17. ओके, अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, बिगर नंबर नेगेटिव, तो माइनस प्लस माइनस होता है. तो इसके लिए 9 माइनस करो 17 में से, तो 8 आएगा, दैट इज़ नेगेटिव 8, बिगर नंबर का साइन. इसके लिए नेगेटिव 8 यहाँ पर आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव 8. चलो अच्छा हो गया, मैंने एक बार चेकआउट कर लिया है, इसके लिए सब में कोई मिस्टेक नहीं हुई है. तो दिस वे वी हैव टू राइट, 31 था ये. ओके, चलो तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और आने वाली वीडियो ज़रूर देखो. थैंक यू.